प्रदेश के कई अंचलों में भीषण गर्मी का दौर देखा जा रहा है। नरसिंहपुर में भीषण गर्मी के चलते लोगों का घरों से निकलना दुभर हो गया है। लगातार चल रही हीट वेव की वजह से जहां एक ओर बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं कामकाजी लोगों को इस भीषण गर्मी की वजह से बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नरसिंहपुर में अप्रैल के माह में ही पारा 40 डिग्री के पार हो गया और लगातार तेज लपटें चल रही हैं, जिसके चलते लोगों के चेहरे पर गमछा और केप पहनने के साथ साथ शीतल पेय पदार्थ लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले बारिश तो हुई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार तेज धूप निकल रही है और गर्म हवाएं चल रही हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। चिकित्सा जगत से जुड़े डॉक्टर भी मानते हैं कि हीट वेव की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और खासकर युवाओं को और बुजुर्गों को बेहद परेशानी हो रही है। ऐसे में कई तरह के और ऐसे चेहरे में जलन, लू लगना, तेज बुखार के साथ साथ बुजुर्गों में स्ट्रोक का भी खतरा अधिक है और डिहाइड्रेशन की वजह से शरीर में अन्य बीमारियां हो रही हैं। चिकित्सकों द्वारा लगातार पानी पीने और चेहरे एवं शरीर के हिस्सों को सूती कपड़े से ढकने की सलाह दी जा रही है और घरों से बाहर निकलते वक्त लगातार सूती कपड़े पहने ताकि इस भीषण गर्मी से बचाव किया जा सके। कितनी परेशानी हो रही है हीट वेव के चलते? हीट वेव के चलते बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग घर से काम के लिए नहीं निकल पा रहे हैं। जब भी निकलते हैं तो लपट चलती है, तो लू लगने का खतरा रहता है, तो पानी पी के निकलना पड़ता है। हाथों में जलन, चेहरे पे रैसेज आ रहे हैं, तो इसके चक्कर में काम धाम में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। सो ये सब काम के चल के हम लोग घर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। गर्मी को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। इतनी तेज़ धूप में बच्चों को लेकर के घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जैसे कि हम लोग जॉब पे जाते हैं तो सुबह से ही इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि घर से निकलने का मन ही नहीं करता, और आते समय भी इतनी तेज़ लपटें चलती हैं कि शरीर में बहुत ज़्यादा खुजलियाँ, ईचिंग होती है, और बच्चों को स्कूल छोड़ना, कोचिंग ले जाना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी के मौसम में दिक्कतें जाती हैं। गर्मी के कारण स्टूडेंट को तो काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। जो इन लोग अप डाउन करते हैं, गांव से आते हैं हम लोग, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बसों में भी बहुत दिक्कत होती है, टाइम पे नहीं मिलती है, तो फिर खड़े रहना पड़ता है।